नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1-to-1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1-to-1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1-to-1 हरेक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने तीन शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो 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 व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और की बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खरगे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। सवाल है अजय माकन जी, अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोग सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई
गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ, तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम कांग्रेस नेता है क्या कांग्रेस So that's Ajay Makan of the Congress party. In fact, he had spoken to several of these MLAs who had threatened resignations, who had in fact submitted resignations. He's saying that these MLAs have in fact placed a few demands in front of him. Resolutions be passed on their conditions. We will come in groups to place our demands, and that Ashok Gehlot supporters should be made a chief minister. In fact, Sachin Pilot or his supporters who had rebelled in the past shouldn't be given that top post, but it should be Ashok Gehlot supporters who should be made chief minister. And he went on to say that we've told them condition resolutions cannot be made. It will be conflict of interest. A decision will be made once the report is submitted before the High Command. So that's Ajay Makan, who's on his way back to Delhi. He will be submitting a report along with Kharge before the Congress High Command on the developments that have taken place in Rajasthan. He went on to say that Congress party will work together and should work together, and they are trying to end this crisis that has taken place in Rajasthan. Of course, a few demands placed by many of these MLAs, that resolution be passed on their conditions, that we'll come in groups to place the demands. Ashok Gehlot supporters to be made chief minister, any of the Ashok Gehlot supporter only to be made chief minister and not Sachin Pilot. Makan also going on to say that he's informed many of these warring MLAs that conditional resolutions cannot be made, and that it could be conflict of interest. A decision to that effect will be made once the report is submitted before the High Command. So we'll have to wait and see what happens once the report gets submitted before the Congress High Command. Discussions and meetings have happened between Ajay Makan, Kharge and many of these warring MLAs. Sachin Pilot has been asked to stay put in Jaipur by Congress High Command.